क्षेत्र के बीच जांबा गांव के समीप नहर में 10 वर्षीय स्कूली बच्चे का शव मिलने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल पनप रहा है। पुलिस ने शव को निकलवा कर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि रविवार को 2 बजे के करीब जांबा नहर में एक बच्चे का शव मिला है, जिसके बाद क्राइम की टीम को सूचना दी गई, जिसमें छानबीन में पता चला कि 3 फरवरी को कुरुक्षेत्र में गुरप्रीत नाम के बच्चे की लापता की FIR दर्ज करवाई गई है। उसी आधार पर गुरप्रीत के परिजनों को सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि बच्चे की शव की गली सड़ी हालत में मिला है, जिसको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। ये सर, कल करीब 1:30-2 बजे सूचना मिली थी कि एक छोटे बच्चे की लाश जांबा नहर में आई हुई है, तो इस सूचना पे हम मौके पे गए थे। तो वहाँ मौके पे अपना बच्चे की डेड बॉडी का कटवाया, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया मौके पे, और इसके संबंध में जब परिवार के आए तो उन्होंने बताया भाई कुरुक्षेत्र लड़के की किडनैपिंग का पर्चा दर्ज करा रखा है अपना KU के थाने में। तो SHO साहब भी आ गए थे वहाँ से मौके पे कुरुक्षेत्र के, तो हमारे एरिया में बॉडी आ गई थी, इसलिए हमारे को ही कार्रवाई करनी पड़ रही है पोस्टमार्टम की। आगामी कार्रवाई जो है कुरुक्षेत्र पुलिस ही करेगी, हम जो डॉक्यूमेंट है वे हमारे से कलेक्ट कर लेंगे, आगामी कार्रवाई कुरुक्षेत्र पुलिस करेगी। सर, डेड बॉडी कहाँ पर मिली थी? ये कुरुक्षेत्र और करनाल की के पास है, बॉर्डर पे है, मतलब बुडेडा हेड, वहाँ से कई नहरें निकलती है जी। और बुडेडा हेड से जांबा नहर पे मिली थी, जांबा नहर पे जो करनाल का एरिया जी। तो इस बच्चे की जो पहचान कैसे हो पाई थी? परिवार के आगे थे, उनके बुलाए, उन्होंने पता लग गया था भाई वो एक बच्चा है कुरुक्षेत्र, क्योंकि तो पुलिस के सोर्सेज होते हैं भाई एक बच्चा कोई किडनैप करके मार के गिर रखा है, तो उसकी वजह से पता लग गया भाई। तो सर, इसके जो शरीर पर निशान या कुछ मिले? नहीं, बॉडी गली हुई थी, ज्यादातर पानी में डूबने के कारण गली हुई थी, इसलिए। इसका परिचय कब दर्ज, कितने दिन पहले दर्ज करवाया? 3 तारीख की वारदात था, 3/2/2020 को ये सुबह उठाया, और सुबह ही उसी टाइम ही नहर में गिर गई थोड़ी देर बाद ही, और सर उठा के स्कूल वर्दी में था जी। क्या नाम था सर इसका? गुरमीत, लड़के का नाम गुरमीत, सन ऑफ सोमनाथ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।